Hello, Dr. Sipani. A very good evening to all of you. Hope you guys are doing absolutely fine. This is Vishnu Kansim. Welcome to Solid Admission Media. Today in this session, we're going to discuss about the NEET PG 2024 counseling latest update. The Supreme Court date exactly when your PIL will be heard. मतलब कि आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ NEET PG 2024 की काउंसलिंग कब से बिगिन होगी. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी आपका 20th September से बिगिन है. लास्ट डेट अभी तक नहीं आई है. चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो सकता है. अलग अलग स्टेट्स के अपडेट क्या है. ऑल्सो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट में PIL की गई है उसके क्या अपडेट्स हैं. ऑल्सो अ मेजर अपडेट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट थिंग. सो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट. एज वेल एज अगर आप पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग की सर्विसेज देख रहे हो तो फॉर दोज डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो, दैट इज 9545955519. साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सबसे पहले मोहे पे पोस्ट करते रहते हैं. तो उसकी भी लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, हमने पिन करके रखा है, आप वहां से देख सकते हो. बात करूं सुप्रीम कोर्ट के PIL के बारे में. ऑलरेडी आपकी PIL की जो हियरिंग थी वो फ्राइडे को थी, बट ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, दैट इज अवर CJI, सुप्रीम कोर्ट CJI वाज ऑन लीव, जिसकी वजह से हियरिंग आपकी 4th October को नहीं हुई. टुडे इज सैटरडे, ऑलरेडी आपका क्लोज डाउन है. नेक्स्ट वीक दैट इज मंडे टू सैटरडे ऑलरेडी आपका हॉलीडे है. इन द मीन टाइम आज के डेट पे अगर आप डायरी नंबर डाल के चेक करोगे तो एक कंप्यूटर जनरेटेड डेट आपका 25th October दिखा रहा है. क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि ये केस को इतना डिले क्यों किया जा रहा है या रीजन क्या. अगर मैं बात करूं आपसे तो इट्स जस्ट अ कंप्यूटर जनरेटेड डेट. एग्जैक्टली इसी डेट पे हियरिंग होगी, इसकी कोई फिक्सेशन नहीं हुआ है. इसके पहले भी आपकी हियरिंग हो सकती है, मतलब कि जब मंडे को आपका सुप्रीम कोर्ट अगेन ओपन होगा, नॉट अपकमिंग मंडे, नेक्स्ट मंडे जब आपको सुप्रीम कोर्ट ओपन होगा, जब लीव आपकी क्लियर होगी, लीव कंप्लीट होगा, सुप्रीम कोर्ट ओपन होगी, तो हो सकता है ये डेट आपके पहले क्लियर दी जाए और नो डाउट इस पर हियरिंग हो सकती है. एक नया क्वेश्चन यहाँ से रेज हो रहा है, तो क्या काउंसलिंग आपकी होल्ड पे रहेगी या काउंसलिंग उसके पहले, आई मीन चॉइस फिलिंग आपकी उसकी पहले बिगिन हो सकती है या नहीं हो सकती. मल्टीपल रीजन दिए जा रहे हैं. यहाँ पे अगर मैं क्लियरिटी की बात करूं तो ऑफिशियली ऐसा कोई भी ऑर्डर या ऑफिशियली ऐसी कोई भी नोटिस नहीं की गई है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जिससे ये मिस में ये मेंशन हो कि आपकी काउंसलिंग पे स्टे लगाया गया है, काउंसलिंग विल बी ऑन द होल्ड. यहाँ पे MCC अगर चाहे तो काउंसलिंग आपकी स्टार्ट कर सकती है, जैसा कि इन्होंने आपके सेम डे पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था. वहां पे भी कोर्ट ने कुछ भी नहीं बोला है. कोर्ट ने नो डाउट इंटरनली जरूर नोटिस शेयर किया होगा MCC और NBE के साथ, बट ऑफिशियली ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपकी हियरिंग थी तो ऑफिशियल्स वर नॉट प्रेजेंट. तो नो डाउट उसके लिए कोर्ट की तरफ से नोटिस गया होगा, 100% चांसेस है कि नोटिस गई होगी. उसमें क्या डिटेल्स है क्या नहीं है इस पे कहना मुश्किल है, क्योंकि वो ऑफिशियली कहीं भी नहीं है. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर्ट की जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की जो PIL फाइल है, नो डाउट जब मंडे को केस जब मंडे को सुप्रीम कोर्ट ओपन होगा, नो डाउट चीजें पहले भी रिशेड्यूल की जा सकती है और इस पे हियरिंग भी हो सकती है. पहला पॉइंट ये रहा. सेकंड पॉइंट, काउंसलिंग क्या बिगिन होगी, ये टोटली MCC के ऑफिशियल्स के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर वो चाहें तो मीन टाइम पे काउंसलिंग बिगिन कर सकते हैं, बट अगर काउंसलिंग आपकी बिगिन हो सकती हो जाती है या चॉइस फिलिंग आपकी बिगिन हो जाती है और जब आपकी सुप्रीम कोर्ट में PIL होती है, वहां पे अगर कोई जजमेंट आता है, फॉर एग्जांपल केस डिसमिस होता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो काउंसलिंग हो रही होगी वो ऑनगोइंग रहेगी. बट अगर कोई जजमेंट वहां पे आता है, इंडाइट केस जितने भी राउंड हुए रहेंगे उन सारे राउंड को कैंसिल कर दिया जाएगा. जी हाँ, ऑल द राउंड विल बी कैंसिल्ड इफ द काउंसलिंग इज स्टार्टिंग बिफोर द जजमेंट ऑफ द PIL. ऐसा पहले भी लास्ट टू द लास्ट ईयर भी हुआ है, ऐसे मल्टीपल चीजें होती रहती हैं. सो नॉर्मल रीजंस पे भी आपके राउंड को कैंसिल किया गया है. तो अगर राउंड पहले स्टार्ट होता है, जजमेंट कुछ डिफरेंट आती है, PIL की जजमेंट अगर कुछ डिफरेंट आती है, नो डाउट जो भी राउंड हुए रहेंगे उसको कैंसिल आउट कर दिए जाएंगे. सो लेट्स सी यहाँ पे MCC क्या डिसीजन लेती है. ऑफिशियली स्टे नहीं है, तो अगर ये चाहें तो बिगिन कर सकते हैं, बट यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की बात की जा रही है. सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी ऑफिशियल डेट ऑलरेडी आपको अनाउंस किया जा चुका था. उसके पहले जितनी मैक्सिमम सीट मैट्रिक्स थी वो ऑलरेडी आपकी प्रोसेस की जा चुकी है. कुछ लिमिटेड कॉलेजेस की चीजें जरूर बची हुई हैं. 90% प्लस की सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी रेडी है. MCC यहां पे चाहे तो आज के डेट पे ही पब्लिश करके काउंसलिंग बिगिन कर सकती है. तो ये कहना गलत है कि सिर्फ सीट मैट्रिक्स फाइनलाइज नहीं हुआ है इसकी वजह से काउंसलिंग होल्ड पे है, क्योंकि ऐसा आप लास्ट सेशन में देखोगे तो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स पे ही आपकी काउंसलिंग बिगिन हो गई है. तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीट मैट्रिक्स का ही फैक्टर है. यहाँ पे मल्टीपल चीजें चल रही है, मल्टीपल चीजें इंटरनली चल रही है. जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में कि नोडल सेंटर एक अपॉइंट किया जा रहा है, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जा रहा है,
जो आपकी पूरी काउंसलिंग के हर स्टेट की काउंसलिंग को गवर्न करेगा, स्पेशली द एनआरआई डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सबको पता है आज के डेट पे एनआरआई डॉक्यूमेंट्स का साथ क्या होता है। तो नोडल ऑफिसर की अभी अपॉइंटमेंट होना बाकी है, हो सकता है ये भी रीजन हो काउंसलिंग होल्ड पे जाने की। अगेन यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, जब आप एक बार सीट ज्वाइनिंग कर लोगे, पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में भी ज्वाइनिंग कर लेते हो या जो भी लिस्ट आएगी वो अभी तक स्टेट और ऑल इंडिया के बीच में, मतलब स्टेट और ऑल इंडिया में शेयर होती थी, बट इस सेशन में स्टेट टू स्टेट, ऑल इंडिया टू स्टेट एंड स्टेट टू ऑल इंडिया भी शेयर की जाएगी। मतलब कि सीट ब्लॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो मैक्सिमम मेजर्स लिए जा जाएंगे वो इस बार आपको काउंसलिंग में देखने को मिलेंगे। नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाएगा, इन चीजों की चीजें ऑलरेडी इंटरनली चल रही हैं। सो लेट्स सी कैसे प्रोसीड होता है। एक और मेजर पॉइंट जो यहाँ पे, वो मैं आपको बता दूं कि इन द मंथ ऑफ नवंबर आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी विल बी रिटायरिंग। जी हाँ, इनका टर्नओवर कंप्लीट होता है, ये नवंबर में रिटायरमेंट भी हो रही है इनकी। और जैसा कि अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे, हर जज रिटायर होने से पहले एक बेंचमार्क डिसीजन जरूर देके जाता है या एक बेंचमार्क जजमेंट जरूर देके जाता है। सो क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे नो डाउट सर के पास अपॉर्चुनिटी जरूर है, डीवाई चंद्रचूड़ जी के पास जरूर अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है मैक्सिमम केसेस में अभी तक हमने देखा है कि चीजें गवर्नमेंट के फेवर में या ऑफिशियल्स के फेवर में ही रही हैं, अप टू अ लेवल तक फेवर में रही हैं, बट रिटायरमेंट के टाइम पे हर जज जरूर एक बेंचमार्क जजमेंट देता है। कुछ लोगों के लिए वो पॉजिटिव होता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव होता है। लेट्स सी यहां पे क्या होता है, बट बिकॉज इन द नवंबर ही इज रिटायरिंग, सो हो सकता है क्योंकि माइंड में कुछ तो प्लानिंग चल रही होगी, दैट्स व्हाई द थिंग्स आर गेटिंग डिले। सो कुछ भी हो सकता है, बट यहां पे अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं, नो डाउट ऑफिशियल स्टे नहीं है, चाहे तो बिगिन कर सकते हैं, बट अगर जजमेंट में कुछ भी आता है या जजमेंट जिस दिन पीआईएल हियरिंग होती है, जजमेंट को डिफरेंट आता है, तो जो भी राउंड हुआ रहेगा उसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। सो ये भी रीजन हो सकता है कि काउंसलिंग आपकी होल्ड पे रहे, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज की मैं बात करूं तो जो भी होना है अभी फेस्टिव सीजन के बाद ही होना है। मैक्सिमम चांसेस यही रहेगा कि जो अपकमिंग वीक है इसमें कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी डिटेल नहीं आने वाला है। कुछ स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन जरूर एक्सटेंड किए जाएंगे जैसा कि ऑलरेडी हो रहा है। मीनवाइल पॉन्डिचेरी ने अपनी सीट मैट्रिक्स जरूर रिलीज की है, चॉइस फिलिंग नहीं बिगेन हुआ है, ना ही कोई शेड्यूल आया है। यहाँ पे जब तक ऑल इंडिया राउंड वन की काउंसलिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है तब तक बाकी स्टेट अपनी चीजें नहीं स्टार्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पैरेलली चल रहा है, पहले भी चल रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेट्स सी आगे क्या होता है, इन तमाम चीजों पर डिस्कशन करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू अ वेरी हैप्पी ग्रेट डे, वीकेंड एंजॉय करिए, जो भी चीजें होंगी अपडेट करेंगे, बट मान के चलिए फेस्टिवल सीजन के बाद ही कुछ होने वाला है। सो टिल देन यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड सेट बैक, लेट्स सी क्या होता है, कैसी चीजें होती है, जो भी होगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर पेड एंड प्रीमियम के लिए देख रहे हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।